हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पर मैं अच्छी नहीं हूँ। बहुत तबीयत ख़राब है, पूरी रात हो गई, बहुत ज़्यादा दर्द है। और रात 9 बजे हम लोग दवाई लेने गए, कितनी ठंड है घर में नहीं पता चलता। बाहर को बाइक पे ऐसा हो गया जैसे पैर है ही नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और सुबह से जब अब बीबी उठी हूँ तो बहुत दर्द है, दवाई खाने के बाद भी कोई आराम नहीं। देखते हैं कौन से डॉक्टर चलाते हैं, रोज़ नया डॉक्टर, आराम तो नहीं रहा। फिर भी देखते हैं आज कहाँ से लाएंगे। दूध भी लेने जाना है, दूध लेने जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही, जाना तो पड़ेगा। अभी नहीं जा रही, थोड़ी देर में जाऊंगी, अभी ठंड बहुत है, बाहर कोहरा है बहुत ज्यादा। आज दर्द बहुत है, बहुत ज्यादा, दवाई खा के भी कोई आराम नहीं। इधर अंधेरा है, लाइट जला देता हूं। अरे बंद हो गई, जला दी। ये भी सो रखे हैं, उठते ही 2 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। मैं अकेले अकेले क्या करूं, ज्वाइंट फैमिली में तो अच्छा भी लगता है सुबह सुबह, हम तो अकेले रहते हैं रेंट पे, तो किसके साथ बोल रहे, अकेले अकेले में अच्छा भी नहीं लगता, पर क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ता है। उठाओ इनको, गुस्सा करेंगे फिर, लेट सोए गए। कोई बात नहीं, नहीं उठाते हम, नहीं उठा रहे। आज ठंडा मौसम बहुत है, शायद ठंड की वजह से भी पसली में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा दर्द है, पर पूरी रात हो जाती है। बाहर देख बाहर कैसा है, बाहर का नजारा। कोहरा भरा उतरा, दूध लेने तो भी जाऊंगी जब कोहरा भरा। अभी ठंड है, देखो है ना, ठंड बहुत ठंड है, अभी नहीं जा रहे, वैसे ही तबीयत खराब है और ज्यादा हो जाएगी, क्या फायदा, थोड़ा लुक के ही ले आएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है, आपके यहाँ पड़ रही है ठंड? बताना कैसी ठंड है आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो अब होनी शुरू हुई है, पहले नहीं थी इतनी ठंड, अब 2-3 दिन से ज्यादा हो गई है। ओहो, आज तो दूध देने ही आ गया, ये आया है दूध देने। बोला आज स्कूल नहीं गए, छुट्टी आज तुम्हारी, तभी आ गए तुम। तो गाइस दूध तो आ चुका, तब जाने की जरूरत नहीं है ठंड में मुझे। दूध की प्याज आंटी ने घर पे ही भेज दिया, अच्छी बात है, तो मुझे जाना पड़ता ठंड में।
आंटी भेज देती है मेरे बदल ना जाओ तो। नहा ले फिर चाय बनाएंगे। तो भैया मस्त गर्म पानी में आज नहा लिए हैं। हालत जो है कुछ मेरी तो सही थी है, पर मैडम की आज हालत खराब है और लगता है दोबारा दवाई दिलवाने जाना पड़ेगा। आज जो है बालक की हालत बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल स्थिति खराब है। और अभी जो है पराठे खाए जा रहे हैं, ये देखो आलू के पराठे, ये आलू के पराठे खा रहे हैं। आमले का अचार है, आलू के पराठे हैं, देसी घी के साथ और चाय के साथ ये चल रहा है आज। आलू के पराठे और देसी घी, क्या मस्त है। वाह, खा के चल रहे हम घेर में। और जहाँ तक उम्मीद है अभी डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ेगा, स्थिति जो है ज्यादा ही खराब है समझे। तो जो है देसी घी के साथ आलू के पराठे खाने का कुछ मजा ही अलग है। वाओ, जिसे जिसे आलू के पराठे खाना है मस्त बने, मजा आ गया। आमले के अचार के साथ नहीं, मैं तो देसी घी के साथ खा रहा हूँ। हमने खाते घी के साथ, नहीं घी के साथ ही खाने चाहिए। कौन कौन घी में डुबो के खाता है कमेंट में बताना, ये खाते हैं। तो कौन कौन देसी घी के साथ खाता है आलू के पराठे जो बिल्कुल डिप करके। बताना, कोई नहीं खाता, अचार से ही खाते होंगे मेरी तरफ। तुम्हारी तरफ कोई नहीं खाता होगा घी से। चलो फिर पराठे खा के और जब मिलते हैं घेर में। घेर में अब आ चुके हैं हम घेर में और दवाई लिवा के लेके आए हैं। हालत जो है खराब है मैडम की समझे। अभी जो है वहाँ पर खड़ी है, हालत पूरी खराब है, पूरी पसलियों में दर्द है, बहुत बुरा हाल है, इसलिए दवाई लेकर आए हैं। और देखते हैं, सिकाई उगाई के लिए बोला है, करते हैं कुछ, अभी मिलवाते हैं सबसे। वो खड़ी है वहाँ पर, वो खड़े सामने, ये जो रेड वाले पैर नक्के हैं कपड़े, यही खड़ी है यहाँ पर। हालत ख़राब है और ठंड भी ठीक ठाक है, पर ऐसी कोई ख़ास नहीं है। अब सूरज देवता भी ये छोटा छतरी के बाल भाई जा रहे हैं, ये आतंकी बालक है पूरा। सब कहीं गाइस, घेर से आ चुके हैं हम। घेर से आने के बाद भी हम गए डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर ने बताया बहुत बुरा हाल है, बहुत दर्द है पसलियों में। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि दवाई ववाई में खानी बेकार है, क्योंकि ये तो रहेगा, प्रेगनेंसी में होता है कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि पसलियों में दर्द कर देता है। लेकिन मेरा तो बहुत बुरा हाल है। अभी आए हैं हम डॉक्टर के यहाँ से और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, मतलब सांस भी नहीं लिया जा रहा, इतना दर्द है। चाय वाय बनाती हूँ, आराम तो होने वाला है नहीं, सांस के साथ पूरा दर्द कर रहा है ये सीना। अभी एक महीना और है,
अगर ऐसा ही है तो पता नहीं ये महीना भी कैसे कटेगा। कहने वाला तो कह दे कि रहेगा दर्द, पर जो झेलता है उसे तो पता होता है। अभी चाय बनाओ, उसके बाद देखती हूँ कोई दवाई ववाई। वैसे दवाई को तो मना कर दी, पर फिर भी खानी तो पड़ेगी। मुझे तो लग रहा आराम पड़ जा, बस आराम पड़ ही नहीं रहा किसी भी दवाई से। ये कोई काम नहीं करते, इन्हें नहीं दिख रहा कि तबीयत खराब है। तो एक कप चाय पिला दूं? मुझे तो एक कप चाय का, हंस रहे हो, और एक कप चाय का भी सहारा नहीं। अच्छा, ये देखो चाय बना लो। नहीं, आज तुम बना लो। हाँ? आज तुम पिला दो, थोड़ी सी बना दो। आज तुम पिला दो। हो, हम ही बना लेंगे। जाओ तो चाय बनाना। ऐसे चाय नहीं बनती, मेरे तो मीठा उठा तेरी गिर जाएगा। बहुत तेज दर्द हो रहा मेरा। दोनों की हालत खराब है, एक की हड्डी में दर्द है, एक के पिछवाड़े में दर्द है, एक की साइड में दर्द है, मेरी तो है पसली में दर्द, इनके है पिछवाड़े में दर्द। कुर्सी पे बैठ बैठ कर पिछवाड़े में दर्द कर लिया इन्होंने। और देखो डॉक्टर ने कहा मुझे लेटने के लिए, लेट गए खुद। मैं काम पे बैठ रहा हूँ ना, चाय पी के। एडिटिंग करनी है, पेपर बनाना है। ओह आई गई आवाज। तो फ्रेंड्स, किस किस को आवाज आई? इन्होंने पू करा भी। ये पू कर रहे, पड़ पड़ गए हाँ। बाहर से आके घर में पद नहीं। ये देखिए वहां लेट गए और ढूंढ रहा, पादम पाद मचा रखी है, पादम पाद मचा रखी है। पादम पाद मचा रखी है। शाम की चाय तो पी ली हमने, ठीक है, पर वीडियो बनाने में कुछ थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी ना। वहां से फोन पकड़ने से बहुत दिक्कत सी हो रही थी। मैंने आज गिम्बल मंगाया, मीशो से। ये रहा, अभी हमने खोला भी नहीं है। ये रहा गिम्बल मंगाया आपने, अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ओके, मीशो से मंगाया है, अब वीडियो बनेगी अच्छी, क्योंकि मेरे हाथ छोटे छोटे हैं और फोन पकड़ने में दिक्कत होती है, कभी कभी हाथ से छूट भी जाता है फोन, इसलिए हमने ये मंगाया है। और अभी देखते हैं हम इसे खोल के कैसा आया है। ये रहा, अच्छा ये है, और ये ओपन भी होगा ऐसे, है ना। रोता भी नहीं खोलना। ये ऐसे वाला आया है, ये मुझे ओपन ही नहीं करना आता। देख लिया? हाँ, मुझसे नहीं खुला ना, तुम खोल लो। ये खुलता है इस तरीके से। अच्छा। और यहाँ पर फिट हो जाएगा अपना फोन, और फिर अपना जो एंगल रहेगा वो बहुत बेहतर हो जाएगा। हाँ। मतलब इस तरीके से हो सकता है, और इस तरीके से इसे इस तरीके से भी ले। तो भाई आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक, और हम जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दिया करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।